हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, तो ये रेडमी का फ़ोन है। दोस्तों, रेडमी के फ़ोन में आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। दोस्तों, आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपके रेडमी फ़ोन में 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्क्रीन शॉट के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर से आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। और जो है दूसरा तरीका, इसमें वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। तो इन दो तरीक़ों से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो। दोस्तों, आपको जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे तो भी स्क्रीन शॉट होगा। और 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा पहला ट्रिक। आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, दूसरे सेटिंग के बारे में। यदि मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोन कर रहा है, आपका डिस्प्ले मतलब लाइट बंद हो जाता है, या आप किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं तो भी आपका डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है दोस्तों, ऐसे में आपका प्रोमेटिस सेंसर प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो। और ऊपर यहाँ पे देख लीजिए कोने में, यहाँ पे सेटिंग का एक जो है आइकन बना हुआ है, यहाँ 3 डॉट पे या यहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ पे क्लिक करके आप सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रोमेटिस सेंसर, यहाँ से ऑन ऑफ, यहाँ से ऑफ कर देना दोस्तों। ऑफ कर दोगे, आपका सेंसर प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो है डिस्प्ले का लाइट यदि बंद हो जाता है तो आप जब यहाँ से ऑफ कर दोगे तो आपका डिस्प्ले का लाइट नहीं बंद होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है अपना प्रोमेटिक सेंसर प्रॉब्लम जो है सेटिंग से ठीक कर सकते हो दोस्तों। यदि आपके पास कोई भी फ़ोन करता है तो आपका डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है, या आप किसी के पास फ़ोन करते हो तो भी आपकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है, तो इस सेटिंग से आप जो है अपना प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो दोस्तों। अब हम दोस्तों तीसरे सेटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके मोबाइल में टॉल बैक इनेबल हो गया है। टॉल बैक इनेबल हो जाने पर आपका टच जल्दी काम नहीं करता है। यहाँ पे आपको डबल फिंगर से जो है आपको काम करना होता है और डबल प्रेस करके ओके करना होता है। दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए डबल प्रेस करना है और ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए। लॉक खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। तो यहाँ में हम दोस्तों सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंगल फिंगर से ऊपर नीचे करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें डबल फिंगर से करना है। डबल फिंगर से हम नीचे जाएंगे एडिशनल सेटिंग पे, एडिशनल सेटिंग पे हम डबल प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा एक्सेबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे आप जो है एक बार प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, डबल प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जनरल लिखा है, इसके बगल में वर्जन लिखा है, तो वर्जन पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा आपको टॉल बैक का, तो टॉल बैक पे आपको डबल प्रेस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यूज टॉल बैक, यहाँ से ऑन है तो यहाँ से इसको हम स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप पर हम डबल क्लिक करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम सेटिंग में जा करके अपना जो है टॉल बैक डिसेबल हो जाएंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आपका टॉल बैक ऑटोमेटिक मतलब जैसे ऑन कैसे हो जाता है। मान लीजिए आप अपने फ़ोन में फ़ोन को जेब में रखे हैं तो आपका टॉल बैक ऑन हो गया, तो ऑन कैसे होता है, यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन, यदि दोनों बटन आपका एक साथ प्रेस हो गया तो आपका जो है टॉल बैक इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने दोनों बटन को प्रेस किया तो हमारा जो है टॉल बैक इनेबल हो गया। यहाँ पर हमारे जैसे लिखा हुआ है टॉल बैक इज ऑन, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको ऑफ करने के लिए भी आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन एक साथ आप प्रेस करोगे तो भी आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको ऑफ कर लेना है दोस्तों। अब हम आपको चौथे सेटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों, डिस्प्ले कलर के बारे में। यदि आपका डिस्प्ले कलर चेंज हो गया है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यूट्यूब प्ले करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए चित्र किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए चित्र हमारा जो है स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा सेटिंग यदि आपके मोबाइल में हो गया है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको मैं सेटिंग से बताऊँगा इसे आप ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाओगे उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, आपको यहाँ पे एक्सेबिलिटी पे चले जाना है। एक्सेबिलिटी पे आप जो ओके करोगे उसके बाद यहाँ पे वर्जन पे आप चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कलर इन वर्जन का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो ओके करोगे तो ये यहाँ से ऑन है।
तो यहाँ से हम ओके करके यहाँ से इसको ऑफ कर लेंगे। अब हमारे डिस्प्ले का कलर नॉर्मल हो गया है। चलिए आपको यूट्यूब फिर से ओपन करके दिखाता हूँ कि चित्र कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा चित्र मतलब सही से दिखाई देने लगा। अब हम दोस्तों आपको पाँचों सेटिंग के बारे में बताएंगे। आपका मोबाइल में यदि मान लीजिए बैक बटन गायब हो गया है, बैक बटन हाइड हो गया है और आपको बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से आप स्वाइप करते हो तो आपका बैक होता है। यहाँ से तीनों बटन आपका गायब हो गया है, तो इसे लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे यहाँ पर, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए बैक बटन हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, हमें स्वाइप करके जो है बैक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमें आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आप जाओगे तो आपको चले जाना है सबसे लास्ट में। यहाँ पे आप जाओगे सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले लिखा हुआ है, इस पर आप ओके करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपका बटन और जो है सुगेस्टर्स। तो यहाँ पे हमें बटन पे क्लिक कर देना है। तो बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है बटन आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हमारा बटन आ गया है। तो इस सेटिंग से हम जो है अपना बैक बटन वापस ला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये रहा हमारा दोस्तों चौथा पाँचवा सेटिंग। अब हम आपको लास्ट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए आपका मोबाइल अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए अचानक आपका टच काम करना बंद कर दिया, आपका आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो गया, या आपका माइक स्पीकर रिंगर अचानक काम करना बंद कर दिया, मतलब आपके फ़ोन में अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रिबूट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को आपको लगभग 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके लगातार रखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पावर बटन को आप प्रेस करके रखोगे 10 से 15 सेकंड तक तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पावर बटन को प्रेस करके थोड़ा टाइम तक रखते हैं, उसके बाद हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम कुछ भी रहेगा तो 100% आपका काम करना शुरू कर देगा दोस्तों, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मान लीजिए अचानक आपका जिसे चलते चलते अचानक टच काम करना बंद कर दिया, या अचानक आपका ग्राफिक आना बंद कर दिया, आपके पास फ़ोन आ रहा है आपको डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और आपका फ़ोन कहीं गिरा भरा नहीं है, टूटा उटा नहीं है, तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपका हैंग हो गया हो मोबाइल। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा, आपका डिस्प्ले सही रहेगा, आपका टच सही रहेगा, आपका माइक स्पीकर रिंगर सही रहेगा, तो आपका 100% काम करना शुरू कर देगा। जरूर इस ट्रिक को एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखना यदि आपके फ़ोन में अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक और सेटिंग कैसे लगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।